इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राजम से सोया दूध पीने के आंगनवाड़ी के बच्चे बीमार हो गए हैं। 7 बच्चे बीमार हुए हैं, गंभीर रूप से ये बीमार हैं बच्चे। सिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायत को स्वयंमुखता का ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूध पीने से आंगनबाड़ी के बच्चों की तबीयत खराब हुई है, 7 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। सिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायत को स्वयंमुखता का ये पूरा मामला बता रहे हैं हम आपको, जहाँ पर अस्पताल में बच्चों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। तो आंगनबाड़ी का दूध पीने से इन बच्चों की तबीयत खराब हुई है, जिनमें 7 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और इसके बाद से विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हितेंद्र सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आखिरकार कैसा बच्चों को दूध पिलाया गया जिसके चलते बच्चों की तबीयत खराब हो गई, क्या कुछ है पूरा मामला? हेलो जी जितेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत कोसम खुटा आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 का मामला है जी, वहाँ के जो आंगनबाड़ी के जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको जो दूध परोसा गया है अमृत योजना के तहत, उन जैसे ही बच्चों को दूध दिया गया, बच्चे एक एक करके मतलब गंभीर हालत में होते गए। इससे लेकर के परिजनों में अफरा तफरी मच गई और तत्काल 108 वाहन को मौके पर बुलाया गया और पीड़ित बच्चों को फिंगेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां गहन प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे अभी सुरक्षित हैं जी। दूध में क्या मिला हुआ था, कैसा दूध था, दूध की जांच की गई है जिसके चलते बच्चे बीमार हो गए जितेंद्र जी? दूध दूध का यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी है, इस जो इतनी बड़ी जो घटना हुई है उसका पुष्टि लेने पर वो दूध के बजाय बच्चों के ऊपर ही दे रहे हैं। वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र में एक निश्चित मात्रा से अधिक दूध पिला दिया गया हो, या फिर वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया गया हो, या किसी तरीके से गंदगी का आलम पसरा हो जिससे संक्रामक बीमारी हो गई हो। इस तरीके से प्रशासनिक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पूरे मामले पे पल्ला झाड़ते हुए नजर आया गया। शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए।